स्वागत है आपका आज की खबर में। मैं हूं आपके साथ रागनी पांडे। जैसा कि हम सब जानते हैं, काफी समय से सुशांत सिंह राजपूत सुसाइड मामला चला आ रहा है। ऐसे में अब उनके मामले में उनके पिता के सिंह ने रिया चक्रवर्ती पर संगीन आरोप लगाए हैं। उनके आरोप चौंकाने वाले हैं और इन आरोपों को जानने के बाद सभी के होश उड़ जाएंगे। सुशांत के पिता के इस कदम के बाद से ही कंगना रनावत लगातार ट्वीट कर रही है। रिया चक्रवर्ती पर भी कंगना भड़की। रिया को लेकर उन्होंने क्या कहा, आइए आपको बताते हैं। दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत के सुसाइड मामले में अब उनकी गर्लफ्रेंड रही एक्ट्रेस रिया चक्रवर्ती की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। सुशांत के परिवार वालों ने पटना के राजीव नगर थाने में रिया के खिलाफ FIR दर्ज करवाई है। मेरी जानकारी के अनुसार सुशांत सिंह के पिता के सिंह के बयान पर मामला दर्ज किया गया है। परिवार वालों ने शक जताया है कि रिया चक्रवर्ती और उनके परिवार वालों ने सुशांत को धोखा दिया है, उनके पैसे हड़प कर उनको मानसिक रूप से प्रताड़ित किया। यही नहीं, परिवार से सुशांत को पूरी तरीके से काट भी दिया। वहीं इस मामले में जांच करने के लिए बिहार पुलिस की एक टीम मुंबई पहुंच चुकी है। ये टीम मुंबई पुलिस से मिलकर उनसे केस डायरी के अलावा अन्य जरूरी कागजात हासिल करेगी। इसी बीच खबर आई है कि बिहार पुलिस ने सुशांत के करीबियों से पूछताछ की। रिया और सुशांत को जानने वालों से भी बिहार पुलिस ने पूछताछ की। वहीं जब रिया से पूछताछ के लिए बिहार पुलिस उनके घर पहुंची तो रिया घर पर नहीं मिली। यहाँ तक कि रिया के फोन से भी कोई संपर्क नहीं हो पाया। रिया से पूछताछ के लिए बिहार पुलिस अब नोटिस देने पर विचार कर रही है। अब बिहार पुलिस उस शख्स की तलाश में भी जुटी है जिसके नाम का सिम कार्ड सुशांत इस्तेमाल कर रहे थे। इससे पहले खबर आई थी कि FIR दर्ज होने के बाद अब रिया चक्रवर्ती अग्रिम जमानत के लिए याचिका दायर करेंगी। आपको बता दें कि सुशांत के पिता कृष्ण किशोर सिंह ने अपनी FIR में रिया पर आरोप लगाया है कि 2019 से पहले सुशांत सिंह को कोई भी दिमागी परेशानी नहीं थी, तो रिया के संपर्क में आने के बाद अचानक ऐसा क्या हुआ, इसकी जांच हो। सुशांत के बैंक खाते से 15 करोड़ रुपए निकालने की भी जांच की मांग की गई है। करीब महीने भर से ज्यादा का समय बीत चुका है, लेकिन सुशांत सिंह राजपूत ने आत्महत्या क्यों की, इसकी वजह पता नहीं चल पाई है। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसे तमाम खबरों के लिए देखते रहें आज की खबर।